फुलपरास और बेनीपट्टी में नवपदस्थापित एसडीपीओ के प्रभार के कुछ ही दिनों में अपराधियों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। फुलपरास में नवपदस्थापित एसडीपीओ दुर्गा शक्ति के क्षेत्र में जहां डकैतों ने तांडव किया और पुलिस को चुनौती दी, वहीं गुरुवार को बेनीपट्टी के हरलाकी में अपराधियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। यूं कहें तो बेनीपट्टी में नवपदस्थापित एसडीपीओ का स्वागत अपराधियों ने चुनौती देकर किया है। हालांकि अन्य घटनाओं के भांति इस घटना में भी पुलिस जल्द उद्भेदन का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि हरलाकी में हुई लूट मामले का पुलिस कब तक उद्भेदन कर पाती है। दरअसल अपराधियों ने पुलिस की गश्ती के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए कैश लेकर जा रहे सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने सीएसपी संचालक को पिस्तौल सटाकर 2,45,000 रुपए लूट लिए। हरलाकी थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कौवाहा धपरा टोल के समीप दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर एक सीएसपी संचालक से 2,45,000 रुपए लूटकर पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। घटना को लेकर पीएनबी बैंक के सीएसपी संचालक बरही गांव निवासी संत राय ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वो गुरुवार को भी उमगांव पीएनबी बैंक से 2,45,000 रुपए रखकर अपने सीएसपी केंद्र जा रहे थे। उसी दौरान कौवाहा धपरा टोल के समीप घात लगाए अपराधियों ने पिस्तौल सटाकर रुपए व एक स्मार्टफोन व एक छोटा फोन लूट लिया। जैसे कि यहाँ पर सीएसपी संचालक से लूट की घटना घटी है, कहाँ तक पुलिस अनुसंधान किया है? हम लोग जांच कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और नाकेबंदी किया गया है एरिया की। जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू। क्या आपके साथ हुआ है? तीन दिन गांव से कैश लेकर जा रहे थे बड़ी, तो वहां से निकल करके 2,43,000 रुपया बैग में था। बहुत सारा कस्टमर का पासबुक भी रहता था, उसमें चेकबुक था, दोनों मोबाइल था मेरा, बड़ा वाला छोटा वाला, गाड़ी का चाबी भी पिस्तौल के दिखाया है, एक बार मारा भी एक उनका, उसमें छीन के लेके भाग गया। दो आदमी था बाइक में सवार। क्या करते हैं आप सब? पीएनबी का सीएसपी चलाते हैं। कहाँ पे? बड़ी में। किस बैंक से पैसा छुड़ा के आ रहे थे? पीएनबी उन गाँव से। कितने की संख्या में अपराधी था? दो आदमी था, एक बाइक पे दो आदमी था। अपराधी की पहचान? नाकाबंदी में था वो सब, गाड़ी पे नंबर प्लेट भी नहीं था। कितने बजे की घटना है? लगभग 3:30 बजे। आज से 4 साल पहले भी मेरे साथ घटना हुआ था, 2,25,000 रुपया का